बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का लेक्चर हम नोवेयर डेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर नोवेयर डेंस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स भी प्रूव करेंगे। डेंस सेट की डेफिनेशन याद है क्या थी? डेंस सेट एक क्लोजर एक आ जाए। डेंस सेट को एवरी वेयर डेंस भी कहते हैं। डेंस सेट को एवरी वेयर डेंस भी कहते हैं। ये नोवेयर डेंस है। अगर किसी सेट के क्लोजर का इंटीरियर फाई आ जाए, उसमें भी डेंस में भी या एवरीवेयर डेंस में भी क्लोजर इन्वॉल्व था। एवरीवेयर डेंस में भी क्या था, यानी डेंस सेट क्या था? ऐसा सेट जिसका क्लोजर लें तो पूरी स्पेस आ जाए, या इसका दूसरा नाम भी है एवरीवेयर डेंस। ठीक है, अब ये उसी तरह नो वेयर डेंस, इसमें भी क्लोजर इन्वॉल्व होगा। अ सबसेट ए ऑफ अ लॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी नो वेयर डेंस इफ इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू 5। यानी उस सेट के क्लोजर का इंटीरियर लिया जाए वो एम्प्टी सेट आ जाए। इंटीरियर क्या होता है वो पता है आपको? सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स। और इंटीरियर पॉइंट क्या होता है वो भी पता होगा आपको। वो कैसे निकालते हैं? जो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनना है उस कम से कम एक ओपन सेट मिल जाए जिसमें वो हो और वो ओपन सेट सेट का सबसेट हो, तब हम उसे कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। पर अगर किसी सेट के क्लोजर का इंटीरियर फाई हो तो उसे हम क्या कहेंगे? नोवेयर डेंस। नेक्स्ट एक हम रिजल्ट प्रूव करते हैं जिसमें नोवेयर डेंस और एवरीवेयर डेंस सेट को इंटरलिंक किया हुआ है। स्टेटमेंट है, अ क्लोज सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज नो वेयर डेंस इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज एवरीवेयर डेंस। यानी अगर कोई क्लोज सेट नो वेयर डेंस हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट एवरीवेयर डेंस होगा, और अगर किसी क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट एवरीवेयर डेंस है तो फिर वो खुद नो वेयर डेंस होगा। तो थ्योरम की स्टेटमेंट से इसका हम प्रूफ करते हैं। लेट ए बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ लॉजिकल स्पेस एक्स। ये तो परमानेंट सपोज हो गया ना, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स भी परमानेंट सपोज होगी और क्लोज सेट ए भी उसका परमानेंट सपोज हो गया। अब थ्योरम की तरफ चलते हैं। इज नो वेयर डेंस, आप ये सपोज करेंगे कि ए जो है नो वेयर डेंस है, और फिर आगे साबित करेंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट एवरीवेयर डेंस है। लेट ए बी नो वेयर डेंस, देन बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए? इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर मस्ट बी 5। एक बात और भी कह रहा था वो कि ए क्लोज्ड है तो क्लोज सेट का क्लोजर जो होता है वो उसके बराबर ही होता है, तो इंटीरियर ऑफ ए किसके बराबर आ गया? सिंस ए क्लोजर इसके बराबर है। वजह क्या है? क्योंकि ए क्लोज्ड है तो क्लोज सेट का क्लोजर इसके बराबर होता है। ये हमने लगाया नोवेयर डेंस की सेट की डेफिनेशन, इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू 5, ए क्लोजर ए के बराबर है, तो ये आ गया। अब एक रिजल्ट है जो मैंने प्रूव कराया हुआ है, लेक्चर भी अपलोड हो गया हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। ये रिजल्ट मैट्रिक स्पेस में भी ये आपको प्रूव कराया हुआ है। जब मैट्रिक स्पेस आपने पढ़ी थी तब भी ये प्रूव कराया, टोपोलॉजिकल स्पेस में प्रूव कराया
कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर लिया जाए तो वो उस सेट के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, किसी सेट के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब हम ना ये ऑलरेडी रिजल्ट प्रूव किया हुआ है, लेक्चर भी अपलोड हुआ हुआ है, वो चेक कर लीजिएगा, अब किताब में भी मौजूद है। मसला ये है कि इससे हम उस तरफ कैसे जाएं, ये तो किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है, हमारे पास जो चीज़ है वो ये है। तो हम करते ही हैं कि इसी में, उस लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको कि इस रिज़ल्ट से बेशुमार रिजल्ट बनते जाते हैं। अगर आप सेट ए को ए कॉम्प्लीमेंट से इसमें रिप्लेस कर दें क्या बनेगा, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी मैंने क्या किया सेट ए को उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस किया, दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो फिर इधर भी आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर और ये कॉम्प्लीमेंट, यानी सेट ए को उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस किया, क्योंकि मैं यहाँ लाना चाहता हूँ इंटीरियर ऑफ ए, तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट जो है ख़त्म हो के सिर्फ रह जाएगा इंटीरियर ऑफ ए किसके बराबर आया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, समझ आ गई। तो अब मैं वो रिजल्ट जो है वो यहाँ लिखने लगा हूँ, आप कहते हैं टोपोलॉजी आसान पड़ी है, तो ये आपको रिजल्ट याद होगा तो ही है ना, ठीक है। अगर आपको ये रिजल्ट वो याद नहीं है तो फिर इस स्टेप से इस स्टेप तक आना इंतहाई मुश्किल होगा, वो आप नहीं आ सकते। अगर मैं दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लूँ तो क्या होगा जी, यही होगा ना, उसका कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा इसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेने से, और फाइव का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, इधर कॉम्प्लीमेंट लिया उधर भी कॉम्प्लीमेंट लिया, फाइव का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है एक्स के, तो यहाँ से क्या चीज़ साबित हुई है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर किसके बराबर है एक्स के, यानी सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर एक्स के बराबर आया, इसका मतलब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो एवरीवेयर डेंस हो गया, यही साबित करना था, तो साबित ये हो गया दिस शोज दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज एवरीवेयर डेंस, इसको सिर्फ डेंस भी कहते हैं, अगर वो एवरीवेयर ना कहता तब भी, ठीक है जी, एवरीवेयर डेंस या डेंस। अब कन्वर्सली सपोज करते हैं कि एक क्लोज सेट है, क्लोज सेट तो पहले से ले लिया हुआ, एक क्लोज सबसेट अपने पहले से ले लिया हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट आप सपोज करते हैं कि वो एवरीवेयर डेंस है, और साबित करना है कि वो नोवेयर डेंस होगा उसका सेट का। कन्वर्सली लेट ए कॉम्प्लीमेंट बी एवरीवेयर डेंस, देन फिर वही होना है ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर किसके बराबर होगा एक्स के, और ये तो बड़े आसानी से आ जाएगा, इस दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ने एक्स का कॉम्प्लीमेंट ने, ये अभी वहां लिखा हुआ है किसके बराबर है इंटीरियर ऑफ ए के, और ये किसके बराबर है फाई के, इंटीरियर ऑफ ए जो है उसको मैं देख सकता हूँ इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर, रीज़न फिर वही है ए क्लोजर ए के बराबर है, तो साबित क्या हो गया ए इज नोवेयर डेंस, तो क्लोज सेट अगर नोवेयर डेंस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा एवरीवेयर डेंस होगा, ठीक है। अच्छा ये जहन में रहे कि ये जो रिजल्ट है ना ये किसी क्लोज सेट के लिए है, अगर कोई सेट क्लोज नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो, आप देखें ना क्लोज सेट था तो ये क्लोजर लिफ्ट कर गया ना यहाँ से, तो क्लोज सेट ना होता तो क्लोजर लिफ्ट ना करता फिर रिजल्ट कुछ और आता, तो इसलिए ये क्लोज सेट के लिए है, उस ये रिजल्ट एग्जिस्ट करने के लिए सेट का क्लोज होना ज़रूरी है, जो हम नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करने लगे हैं उसमें क्लोज सेट की कंडीशन नहीं है, लेकिन इस रिजल्ट के लिए कंडीशन थी। जी नेक्स्ट थ्योरम है
subset A of a topological space X is nowhere dense if and only if every non-empty open set has a non-empty open subset distant from A. यहाँ उसने सबसेट जो टोपोलॉजिकल स्पेस का लिया है उसके ऊपर क्लोज सेट की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ये कोई आम सेट है. स्टेटमेंट यह है कि अगर टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सबसेट ए नोवेयर डेंस है फिर क्या होगा, फिर कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लें उसका एक नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट मिलेगा जो डिसजॉइंट फ्रॉम ए होगा. क्या कह रही है, सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज नोवेयर डेंस. नोवेयर डेंस आपने सपोज कर लिया. इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लें हैज अ नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट, उसका कम से कम एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट सेट मिल जाएगा जो डिसजॉइंट फ्रॉम ए होगा, जिसकी ए के साथ इंटरसेक्शन फाइव होगी. आप बताएं कैसे करें, शुरू करो ना. शाबाश, सेट जो है, चलो करो बोलो आज आपने कराना है, बताओ बताओ. शाबाश शाबाश, जल्दी 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 तब पता चले ना कि कैसे स्टार्ट तो करो. चलो जी माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी कोशिश की, अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसको प्रूव करना है. इधर देखें जरा, तवज्जो करें. अब आप जो है इस तरह तवज्जो करें, सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज नो वेयर डेंस, पहले तो ये लें और उसके बाद आगे कोशिश करते हैं चलाने की. ये बात तो जहन में आ गई हुई है ना कि प्रूव क्या करना है. हमने हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट को ए के साथ डिसजॉइंट साबित नहीं करना, हमने करना है कि कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लें तो उसका कोई एक सबसेट जरूर मिल जाएगा जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. तो हम ये सपोज करते हैं, लेट ए बी नोवेयर डेंस इन एक्स, देन बाय डेफिनेशन इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर किसके बराबर होगा, फाइव. ये रिलेशन आ गई. अब आगे चलना है इससे प्रूव क्या करना है, करना क्या है प्रूव, कि कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लें उसका एक नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट जरूर किस करेगा, जिसकी ए के साथ इंटरसेक्शन फाई होगी. ये करना है. अब अभी तो हमें नहीं समझ आ रही कि क्या करना है कैसे करेंगे, लेकिन जारी पता है इसी से आगे कुछ निकलना है जो कुछ निकलना है. तो एक वेल नोन हमारा जो रिजल्ट है वो हम लिखेंगे, वो क्या है, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर, यानी ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें पता है. इससे हम इस तरफ जाएंगे, पिछले थ्योरम में तो ए क्लोजर जो है हमने रिप्लेस कर दिया था ए के साथ क्योंकि वहाँ पे क्लोज सेट था, अब ये क्लोज सेट नहीं है तो अब हमने रिप्लेस नहीं कर सकेंगे. लेकिन फिलहाल सबसे पहले तो हमें ए डबल कॉम्प्लीमेंट लाना है यहाँ पर, ए कॉम्प्लीमेंट को ए को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करना. तो क्या बनेगा, जैसे पिछले में हमने किया, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर. तो ये लिखा हमने किया क्या है, रिप्लेसिंग ए बाय ए कॉम्प्लीमेंट, ये किया हमने, ठीक है. अब ये ए सेट ए का डबल कॉम्प्लीमेंट तो सेट ए को रिस्टोर कर देगा, ये आ जाएगा इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट. मुझे तो ये चाहिए, क्या चाहिए, इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर चाहिए. अगला स्टेप मैं क्या करूँगा, इसी में ए को ए क्लोजर से रिप्लेस कर दूँ. बात समझ आ रही है, ये रिजल्ट मेरा वेल नोन रिजल्ट है, इसी से मैंने आगे चलना है. इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर. सबसे पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिफ्ट किया ए को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करके, मेरे पास ये आ गया. इसके बाद मैंने यहाँ पे ए को ए क्लोजर से रिप्लेस करना है ताकि ये आ जाए, ठीक है. तो अब मैं ये करता हूँ, यहाँ से बन जाएगा इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए को ए क्लोजर से रिप्लेस करना है, ए क्लोजर
उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर क्लोजर, फिर कॉम्प्लीमेंट। अब क्या किया है, रिप्लेसिंग ए बाई ए क्लोजर, ये किया है। ये वो स्टेप्स हैं जो टोपोलॉजी को मुश्किल बनाते हैं, कहाँ क्या करना है, क्योंकि थ्योरम की स्टेटमेंट में तो हमें सब कुछ पता है, ओपन सेट का भी पता है, नो बेडेंस का भी पता है, सारा कुछ तो पता है, कब कहाँ क्या करना है, दैट मेक्स द डिफिकल्टी। अब ये वाला जो है हमारे पास किसके बराबर है, फाइव के बराबर है, तो यहाँ हम लगा देते हैं फाइव, किसके बराबर आ गया, क्लोजर कॉम्प्लीमेंट फिर क्लोजर, और यहाँ लिख दें आपके आपने क्या किया है, यूजिंग वन। अब अगर मैं दोनों तरफ इसके कॉम्प्लीमेंट्स लूँ तो क्या होगा, फाइव कॉम्प्लीमेंट, उधर क्या आ जाएगा, एक क्लोजर कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका ये सबसे ऊपर वाला जो कॉम्प्लीमेंट उड़ जाएगा ना, ये सबसे ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट उड़ गया और आपके पास आ गया क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर, और ये फाइव कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, एक्स के। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये एक्स, ये ठीक होगी बात, और हम इसको लिख सकते हैं क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। अब आपका इम्तहान है कि आप मुझे ये बताएं कि इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही, मैंने यही किया ना, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर किसके बराबर है, एक्स के, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, इससे क्या पता चलता है जी, किसी भी सेट का जब क्लोजर आए तो वो डेंस होता है, एवरी वे डेंस होता है, इस वक्त कौन सी चीज, कौन सा सेट डेंस है, हैं, किसका क्लोजर आया तो एक्स आया, ए का क्लोजर तो एक्स नहीं आया, ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर आया, ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर आया एक्स, वो है डेंस। तो यहां से ये पता चला, दिस शोज दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर इज डेंस इन एक्स। चलो जी, बड़ी मुश्किल से हमें ये पता चला, अब क्या करें, हम तो कोई किसी और चक्कर में थे, मालूम क्या करना है, करना तो ये है कि कोई भी ओपन सेट लिया जाए तो उसका कम से कम एक ओपन सबसेट मिल जाए जिसकी ए के साथ इंटरसेक्शन फाई हो, डिसजॉइंट है, ठीक है ना। हमने करना क्या है, कोई भी ओपन सेट लें, वो तो अभी तक नौबत ही नहीं आई, ओपन सेट लेने की तो नौबत ही नहीं आई, कोई भी ओपन सेट लें उसका कम से कम एक ओपन सबसेट मिल जाए जिसकी ए के साथ ना बने, क्या करें आप, यहाँ तो बात वैसे यहाँ से निकलनी है लेकिन वो आपसे निकाली नहीं जानी, यहाँ तक तो ये तो पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ, बड़ी मुश्किल से पता चला है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर डेंस है। अब अगर डेंस, कोई सेट डेंस हो तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, हाँ जी, जो डेंस सेट होता है वो हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट से उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होती है, एक रिजल्ट है मौजूद। मैं किताब का एक रिजल्ट का रेफरेंस देता हूँ, और मैंने ये थ्योरम अपलोड भी किया हुआ है, ये रिजल्ट पढ़ा, लेक्चर पढ़ाया भी हुआ है। अब जो इस स्टेज के ऊपर आके आप रुक गए हैं तो यहाँ मसला क्या है कि डेंस सेट की प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, अब कैसे पता चलेगा, आप मुसीबत तो यही बनती है ना कि कब कहाँ क्या करना है, और डेंस सेट की प्रॉपर्टी अब तो याद नहीं होगी, और अगर याद है तो क्या यहाँ वो लगानी है, ये नहीं पता चलता, दैट मेक्स अ डिफिकल्ट। और आप फिर क्या करते हो, फिर आप मजबूर हो जाते हो कि थ्योरम्स को याद कर, मेमोराइज करने की कोशिश करते हो, मेमोराइज किया हुआ हो तो फिर तो आसान, लेकिन उसके पीछे जो थ्योरी इन्वॉल्व है वो अगर आपको नहीं पता तो दैट मेक्स द डिफिकल्ट। अब क्या हुआ, क्या
कि कोई भी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी सेट डेंस कब होता है, जब वो अगर कोई सेट डेंस है तो वो हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट से इंटरसेक्ट करता है, हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट से इंटरसेक्ट करता है। क्या थी अपना उस क्या नाम है उसका, कौन सा पेज, किस पेज पे कौन सा थ्योरम है ये? 29 पेज पे थ्योरम नंबर 17, पेज नंबर 29 पे थ्योरम नंबर 17 पे है कि टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट ए डेंस अगर हो तो वो एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट से इंटरसेक्ट करेगा। अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज डेंस इफ एंड ओनली इफ इट इंटरसेक्ट्स एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट। ठीक हो गया। अब यहां हमें क्या पता चला है, ये डेंस है ये वाला सेट, और वैसे अगर आप लें आप कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन, ये खुद क्या है, ये खुद ओपन है या आप, ये खुद ओपन है कि नहीं ओपन है? ये देखो एक क्लोजर हमेशा क्लोज्ड होना है और क्लोज साइड का कॉम्प्लीमेंट ओपन होना है, ये ओपन होना, ये लाजमी क्या है, ये ओपन सेट है। अब हमने जाना है कि कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लेना है, लेट यू बी अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट, देन क्या होगा जी, इंटरसेक्शन यू इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी ओपन सेट। बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी ओपन सेट। हमने कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लिया और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर तो वैसे ही ओपन सेट है क्योंकि ए क्लोजर क्लोज्ड है, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा। अब इस ओपन सेट की और इस ओपन सेट की इंटरसेक्शन है तो वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी तो होगा ही और वो ओपन भी होगा, नॉन एम्प्टी ओपन सेट। ये भी जेन में रहे कि ये जो सेट है एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर, ये डेंस होने की वजह से हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ इंटरसेट इंटरसेक्शन इसकी होगी। अगला स्टेप देखें जरा, लेट यू बी ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट देन ये। अच्छा एक और भी बात है, एक और भी चीज है, ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन यू इज नॉन एम्प्टी। ये किस वजह से हुआ, ये डेंस था और डेंस सेट ने किसी भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्ट करना है, डेंस सेट किसी भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ इसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। और ये बताते हैं खुद भी क्या है, नॉन एम्प्टी है, ओपन सेट है। एक चीज और भी देखें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन यू, ये क्या यू का सबसेट होगा? अभी तक क्या चीजें आई, क्विकली जरा देखें, ये डेंस है, ये डेंस है तो किसी भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ इसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होनी है। मैंने एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट लिया U, तो इसकी उसके साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होनी है। ये मेरे पास दो ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन है तो ये ओपन सेट होगा, और ये जो मैंने ओपन सेट लिया बचा उसका सबसेट भी है। ये मैंने एक नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट लिया था, सेट लिया था, उसका नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट आ गया, ओपन भी है, नॉन एम्प्टी इधर नजर आ रहा है और इसका सबसेट भी है। कहानी कहां से चली थी, सेट ए को नो वे डेंस लिया था और करना क्या था कि कोई भी ओपन सेट लें उसका एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट में, कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लें
उसका एक नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट मिल जाना चाहिए जो डिसजॉइंट फ्रॉम ए हो। हम आ चुके हैं वहां तक, हमने एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट लिया, डेंस सेट की प्रॉपर्टी की वजह से उसकी इसके साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हुई, ये एक नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट यू का आया। अब सिर्फ एक ही बात रह गई है कि जो मैंने वो नॉन एम्प्टी ओपन सेट दिया था उसका जो नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट आया है उसको ए के साथ डिसजॉइंट साबित करना सिर्फ रह गया। डिसजॉइंट करते हैं, नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन यू, इंटरसेक्शन ए अगर हम लें इस तरह, ले ए इंटरसेक्शन यू, तो देखते हैं क्या ये फाई आती है। बात फॉलो कर रहे हैं, यू नॉन एम्प्टी ओपन सेट, उसका नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ले लिया, उसको डिसजॉइंट साबित करना है ए के साथ, देखते हैं क्या ए के साथ डिसजॉइंट ये नॉन एम्प्टी आती है। कौन सा लॉ लगा सकते हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ? तो यहाँ हम जरा एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो वो आएगा ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यू, ये मैंने इसको इसके बराबर लिखे ना, ऐसे लिखे ना, इसके राइट साइड पे लिखे ना, सो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यू, ये फाई हो जाएगा। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि ए क्लोजर की इंटरसेक्शन जब ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के साथ ले तो फाई होती है, किसी भी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेने से फाई आती है। ये सेट बड़ा है तो बड़े सेट की अगर इंटरसेक्शन फाई आ रही है तो छोटे की भी फाई आनी है। ए जो है वो ए क्लोजर जो है वो छोटा है ना, ये विजिबल है सर, ये देखें किसी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन फाई आती है। ए क्लोजर की अगर इसके साथ इंटरसेक्शन फाई आई है तो ए की भी इसके साथ इंटरसेक्शन फाई होगी। ए की इसके साथ इंटरसेक्शन फाई इसलिए है कि ए ए क्लोजर का सबसेट है, अगर बड़े की नहीं बन रही तो छोटे की भी नहीं बनेगी। तो हम रिजल्ट हमारे पास क्या आया फिर, कि ये क्या हुआ, फाई के बराबर आया। क्लियर हुआ है, को पता चला कि आसान है कि मुश्किल है? देखें आपने स्टेप बाई स्टेप आए हैं, इंटीरियर ऑफ ए आपको कहा था कि ए नो बेड डेंस है, इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर आपने फाई लिया, उसके बाद आपने कोई ओपन सेट यू तलाश करना था जिसका कोई एक कोई भी ओपन सेट यू लें तो एक उसका ओपन सबसेट मिल जाए जो ए के साथ डिसजॉइंट हो। क्या किया आपने, वो ए क्लोजर का इंटीरियर फाई लेके फार्मूले लगाते 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 एक चीज़ जगह पे आए जहां आके आपको ये पता चला कि ये सेट तो डेंस इन एक्स है और डेंस सेट की प्रॉपर्टी अब आगे आड़े आ गई। डेंस सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्ट करता है। तो फिर मैंने एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट यू लिया तो डेंस सेट की प्रॉपर्टी के मुताबिक इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ नॉन एम्प्टी होनी चाहिए और ये जो सेट है ये बजाते खुद ओपन है, इसकी जब मैं ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो वो भी एक ओपन सेट होगा। अब ये एक ओपन सेट आया, ये यू का सबसेट है और इसके डिस ये जो है डिसजॉइंट फ्रॉम ए हो गया, तो हमने आधा पार्ट प्रूव किया थ्योरम का, आधा पार्ट थ्योरम को नो वेयर डेंस लेके साबित ये किया है कि कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लें तो उसका एक नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो ए के साथ डिसजॉइंट होगा। अब कन्वर्सली ये करना है और ए को नो वेयर डेंस साबित करना है। नेक्स्ट चीज कन्वर्सली हमने क्या लेना है और क्या साबित करना है, इफ एंड ओनली एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट हैज़ अ नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट डिसजॉइंट फ्रॉम ए, हमने कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट लेना है और उसका नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट जो है वो डिसजॉइंट सपोज कर लेना है कि ए से है
ये कंडीशन सपोज कर लेनी है और साबित करना है कि एज है वो नो बेडेंस। चलें कन्वर्सली लेट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट हैज अ नॉन एम्प्टी सेट हैज अ नॉन एम्प्टी सबसेट। वैसे तो ये भी वही है। कन्वर्सली लेट एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट, है ना। कन्वर्सली लेट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट हैज अ नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट जिस डिसजॉइंट फ्रॉम ए। देन साबित क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट ए इज नोवेयर डेंस। ये हमने साबित किया। अब जो कंडीशन आपने सपोज किया है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लें उसका एक नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट एग्जिस्ट करता, कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लें उसका एक नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो डिस्टेंट फ्रॉम ए है। आगे बात करनी है। लेट यू बी, वी ले लें पहले फिर उसका यू नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेंगे। लेट बी बी अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट एंड यू बी इट्स नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट सच दैट यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव। पहले हमने को नंबर दिए थे इस थ्योरम को प्रूव करते हुए, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। वी कोई नॉन एम्प्टी ओपन सेट लिया उसका, लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट एंड लेट यू बी ए नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट सबसेट ऑफ वी सच दैट वी को नॉन एम्प्टी ओपन सेट है, यू उसका नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट लिया है जो कि डिसजॉइंट फ्रॉम ए है। डिसजॉइंट फ्रॉम ए होने का मतलब है उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन फाइव, ठीक है। देन फॉर एक्स बिलोंग टू यू वी हैव एक्स डजंट बिलोंग टू ए। ये बताएंगे एक थ्योरम था, एक क्लोजर की स्टेटमेंट हमने प्रूव किया हुआ है एक्स सच दैट ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट्स ए। ये रिजल्ट भी प्रूव किया हुआ है मैट्रिक्स स्पेस में भी टोपोलॉजिकल स्पेस में। एक क्लोजर में कौन से पॉइंट्स आते हैं, किसी भी ओपन सेट में वो पॉइंट आए उस ओपन सेट की ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होती है। एक तो ये प्रॉपर्टी थी ना कि अगर एक आप एज है हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्ट करे तो वो डेंस होता है। एक ये भी एक रिजल्ट है एक क्लोजर इज इक्वल टू एक क्लोजर कैपिटल एक्स के ऐसे पॉइंट पर मोशनल सेट है वो अगर किसी भी ओपन सेट में आए तो उस ओपन सेट की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी होती है। इंटरसेक्ट ए का मतलब है नॉन एम्प्टी। अब गौर करें यहाँ हमें पता चला कि ओपन सेट की इंटरसेक्शन ए के साथ फाई है। अब मैं अगर इस ओपन सेट का कोई भी पॉइंट लूँगा तो इस रिजल्ट की वजह से वो ए क्लोजर में नहीं जाएगा, इसमें कौन से जाने हैं। अगर किसी भी ओपन सेट में वो पॉइंट हो उस ओपन सेट की ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। अब आपके पास एक ओपन सेट है जिसकी ए के साथ इंटरसेक्शन फाई है, इस ओपन सेट का कोई भी पॉइंट होगा वो कभी भी ए क्लोजर में नहीं जाएगा।
एक्लोजर में पहुंचने के लिए क्या शर्त थी कि नॉन एम्प्टी हो, ये बात फॉलो कर ली। अगर ये पॉइंट एक्लोजर में नहीं जाता, अगर एक्स एक्लोजर में नहीं है तो फिर ये किस में होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्स कॉम्प्लीमेंट अब एक्लोजर में होगा। एक्स पॉइंट किसका है, यू का, और वो इसमें पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि यू की इंटरसेक्शन एक्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के साथ नॉन एम्प्टी, क्योंकि एक्स दोनों का पॉइंट, एक्स उसमें भी है और उसमें भी। अगर इसके साथ नॉन एम्प्टी है तो इसकी इसके साथ भी नॉन एम्प्टी होगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यू वी का सबसेट। अगर इसके साथ उसकी नॉन एम्प्टी है छोटे के साथ, तो बड़े के साथ भी नॉन एम्प्टी होगा। ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ ज़रा गौर करें, हमने वी कोई कोई नॉन एम्प्टी ओपन सेट लिया हुआ है, वी टुक एनी नॉन एम्प्टी ओपन सेट वी, उसकी इसके साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आई। इसका मतलब मैं कोई और नॉन एम्प्टी ओपन सेट लूं, उसकी भी इसके साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। मैं कोई और नॉन एम्प्टी ओपन सेट लूं, उसकी भी इंटरसेक्शन इसके साथ नॉन एम्प्टी आएगी। मैं कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लूं, तो उसकी इंटरसेक्शन इसके साथ नॉन एम्प्टी आएगी। इसका मतलब है कि ये तो हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्ट करता है। सिंस वी वॉज एन आर्बिट्री ओपन सबसेट ऑफ एक्स, सो ये जो कंडीशन है थ्री शोज दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्ट्स एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, सो इट इज डेंस। डेंस का मतलब क्या है कि इसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, एक्स के बराबर। ठीक है, इसके बाद दोबारा हम ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। ये रिजल्ट वेल नोन रिजल्ट है, ए को ए कॉम्प्लीमेंट से अगर रिप्लेस करें तो इंटीरियर ऑफ ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। ये डबल कॉम्प्लीमेंट ए को रिस्टोर करेगा, उसके बाद ए को ए क्लोजर से रिप्लेस करें दोनों तरफ, ए को ए क्लोजर से रिप्लेस करें, ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट फिर क्लोजर और फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ इसके कॉम्प्लीमेंट लें तो इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके आ गया, क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। तो आप गौर से देखें कि क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर किसके बराबर आ गया है, इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ इसको रिप्लेस कर देते हैं, स्टेप्स आपके सामने ये वाले, ये हमारे पास आ गया इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स। अब अगर हम दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट्स लें तो इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट, इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू फाइव, ए इज नो वेयर डेंस इन एक्स। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लें
उसका एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट मिल जाए जो ए से डिसजॉइंट है, तो ए क्या होगा? नो वेडेंस। थैंक यू।